की देने हैं भी है। जो आपका रवैया है वो रवैया आंदोलन की जीत वाला नहीं है, हार वाला है, और इस हार के जिम्मेवार कहीं ना कहीं आप लोग होंगे, यूनियन जिम्मेवार नहीं होगी। क्योंकि हमें ये भी करना है कि बाद में बुराई का ठीक रहा यूनियन के नेताओं पर फोड़ोगे, यूनियन पर फोड़ोगे। लेकिन भाई अगर आप यूनियन की तरफ एक उंगली करोगे ना तो तीन उंगलियां आपकी तरफ है, अपने गिरबान में भी झांक के देख लेना कि आप कितने ईमानदारी से लड़ना चाहते हो। ये भाई ईमानदारी के साथ लड़े, ड्यूटी जाते थे जब भी तो भाई टाइम से पहुंचते थे ना, और डर रहता था कि सुपरवाइजर के राज नहीं करते। लेकिन आज अपने लिए अटकाल कर रहे हो तो इसको ड्यूटी नहीं समझ रहे। आराम से 11-11 बजे तक आ रहे हैं लोग, 12-12 बजे तक आ रहे हैं, और फिर उसके बाद 10 मिनट यहाँ से कल दिखा के फिर बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। और पीछे किप्पी गवर्नर लगभग 30-40 माता बहने को परमानेंटली वो ठिकाना बना लिया। वही वही बैठी है, वही चाय पानी लंच भी बने। कोई लड़ने का तरीका नहीं है। मैं अपनी यूनियन के पदाधिकारी साथियों से अपील करूंगा भाई, ये कुर्सियां बिठाएगी बिल्कुल न करो यार, जवान बालक हो करूंगा। ये तो हमने हेड ऑफ कमेटी बनाई है, और ये जितने भी हमारे सुपरवाइजर भाई हैं, चाहे वो आउटसोर्स के हैं, निगम रोल के हैं, रेगुलर हैं, इनकी 3 टाइम हाजिरी लेना सुनिश्चित करें, 8 बजे, 12 बजे और उसके बाद 3 बजे। क्योंकि ये भी हमने देखा है ये यहाँ आगे हाजिरी लगवा दी और पास, और 2 बजे फिर आ जाओ। बहुत बढ़िया, कई पसंद भाई, ये कार्रवाई हो रही है। अरे भाई 7,128 लोग हैं इस गुड़गांव नगर निगम में, और यहाँ बैठे कितने हैं? मुश्किल से 2,000 लोग, वो जो बाहर भाई घूम रहे हैं उनको भी लगाकर। और हम बार बार इन बहनों को फरमाकर चढ़े के पेड़ पर चढ़ाते हैं। झांसी की रानी, झांसी की रानी, झांसी की रानी सुनना नहीं चाहती। आपस में मीटिंगें करें, हम लोग कहें नारे लगाओ, तो आज भी बहने तो ईमानदारी से नारे भी नहीं लगाती, और नीचे ने उसी रोज कर ले जो दिखे ना, ऐसी भी बहने हैं। तो भाई मोड़े कोड़े से बात नहीं बनेगी, ये तो सर पे मुनासा मार के मैदान में आना पड़ेगा। सर फोड़ेंगे, फुड़वाएंगे, लेकिन ये अपनी तो रोजगार की लड़ाई है ना, इसको जीत के दम लेंगे, ये प्रण हमें करना चाहिए। और लगातार लगभग 1.5 महीना हो गया हमें आंदोलन करते हुए, विधायकों के दरवाजे भी हो जाए, कमिश्नर के भी हो जाए, और पीछे कमिश्नर ने मीटिंग बुलाई तो हम उनको चेतावनी दे के आए थे कि भाई 25 तारीख को दक्षिण हरियाणा के भाईचारे के साथ आपसे मिलने आएंगे, अपनी तैयारी कर लेना। कमिश्नर ने हमारे से मिलने की तैयारी तो पता नहीं करी होगी नहीं करी होगी, लेकिन उसने गुड़गांव से भागने की तैयारी पूरी कर रखी थी। पता है 1 दिन पहले गुड़गांव छोड़ गया चंडीगढ़ जाकर। क्यों भाई, जब हम आपसे नौकरी मांग रहे हैं और आप इस विभाग के प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो, ये जो ठेका आपने किया है मैन पावर से बदल के वर्क आउटसोर्स का, इससे कहीं ना कहीं जिम्मेवार आपको, आप ठेकेदारों की पैरोकारी करते हो, क्योंकि तो ठेकेदार आपका मोटा पैसा कमीशन के रूप में देते हैं। इन सफाई कर्मचारियों के ठेके को आपने मैन पावर से बदल करके वर्क आउटसोर्स में कर दिया। लेकिन जब हम मिलने गए तो कहते सरकार के आदेश थे, लेकिन उसके बावजूद निगम कमिश्नर ने
पिछले हफ्ते 300 कर्मचारियों का मैन पावर का ठेका इसी नगर निगम में करा है, वो किसकी इजाजत से किया, हम ये पूछना चाहते हैं। जब आप 300 लोगों को मैन पावर का ठेका दे सकते हैं तो भाई इन लोगों ने क्या कसूर कर रखा था? ये तो पहले गड्ढे में थे, आपने गड्ढे से निकाल के इनको कुओं में डाल दिया। हम ये मांग करते हैं कि भाई इन लोगों को 5-5, 4-4 साल हो गए नौकरी करते हुए, इन लोगों को अब ठेकेदार की नौकरी नहीं चाहिए, इनको तो आपको विभाग रोल की नौकरी देनी पड़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं। और नगर पालिका कर्मचारी से लेना है, ये फैसला ले लिया है, ये आपकी इस लड़ाई को हम भाई बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपको वैसे छोड़ दिए हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन संघ ने यह निर्णय लिया है कि भाई आपकी इस गुड़गांव की लड़ाई को पूरे हरियाणा की पालिका परिषद निगमों की लड़ाई बना देंगे और हरियाणा सरकार को मजबूर कर देंगे पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सभी प्रकार के कर्मचारियों को विभाग रोल की नौकरी दे, और जो वर्षों से कार्यरत कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार किस्तों में पक्का ना करे, एक मुफ्त फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू उनको पक्का किया जाना चाहिए। लंबे आंदोलन के बाद 29 अक्टूबर 2022 को हरियाणा सरकार ने 19 सूत्रीय मांग पत्र पर हमारे शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करी थी, और बातचीत नहीं करी थी, टेबल पर बैठ करके वार्ता करी, बाकायदा 300 मीटिंग की प्रोसीडिंग जारी हुई, उसका लेटर भी जारी हुआ। हमारी बहुत ही गुजारो साथी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉक्टर सुशीला जी हमारे बीच में आई है, सरकार की और अपनी बात को बाद में करेंगे। ठेकेदार से मिले हुए लोगों ने, क्योंकि वो हमारे लोग ग्रुप पर भी एक्टिव हैं, उन लोगों ने गलत तरीके का मैसेज ग्रुप पर डाला है, ये बड़ा आधार कार्ड पैन कार्ड अपनी आईडी में लेकर आपकी यूनिट ने इस प्रकार का कोई मैसेज कतई नहीं डाला। ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए, हमारे भाईचारे को तोड़ने के लिए सरकार लोगों द्वारा
हरकत की गई है, किसी के बचाव में ना आए कोई आइडिया ना ले, और ग्रुप में एक मैसेज और डाला हुआ है सेक्टर 40 में भर्ती हो रही है, आपको निगम रेट की तनख्वाह देंगे, सुविधाएं भी देंगे। निगम रेट की तनख्वाह बता दूंगा कितनी आज के दिन 18,000 कुछ रुपए है, जो हरियाणा सरकार का निगम रेट है। आप लोगों को झूठ बोल करके लगाया जा रहा है, और जो भाई गलती से लग रहे हैं डर जा करके, मुझे को मैं उनकी गलती नहीं बताता, सबके पारिवारिक हालात ठीक नहीं होते, हो सकता है उन भाइयों के पारिवारिक हालात ज्यादा खराब हो, उनको ठगा जाएगा। क्योंकि वो वर्क आउटसोर्स का ठेका है, उसमें PAPSI काटने का प्रावधान नहीं है, लेकिन झूठ बोलना जा रहा कि हम PAPSI काटे। अब वो 2100-2200 रुपए PAPSI के नाम पर काट करके ठेकेदार अपनी जेब में रख लेंगे। दो चार गैराजियां भी होंगी, तनख्वाह मिलेगी 6,000-7,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती भाई, ये बात आप हमारे से लिखवा लें, हम लिख के देने को तैयार। तो किसी के अकाउंट में ना है, ये गलत बार बार प्रचार किया जा रहा है। और 29 अक्टूबर 2022 को जो सरकार और संघ के बीच में समझौता हुआ था, उसमें पालिका परिषद निगमों से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सभी प्रकार के कर्मचारी, सभी को भी प्रकार के, ये नहीं दफ्तर वाले केदार बाबू, सफाई से संबंधित, जीवन से संबंधित, फायर के कर्मचारी जो कि हमेशा अपने मांग मुद्दों के लिए लड़ते हैं, उन कर्मचारियों को ठेकेदारी से निकाल